हेलो गाइस, वेलकम फ्रॉम हरिद्वार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम हरिद्वार। तो अभी फिलहाल हम हरिद्वार में हमने स्टे किया था कल के। अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो आप प्लीज़ प्रीवियस ब्लॉग जरूर देखेगा कि हमने अभी जो हमारा ट्रिप चल रहा है वो हरिद्वार का चल रहा है। तो फिलहाल ये रूम की कुछ रूम हालत इग्नोर कर देना यार, ऐसा हो चुका है। फिलहाल अभी जो अपना बैग पैक हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। पहले एक हरिद्वार में एक जगह हो रहा है तो पहले हम वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हम ऋषिकेश की तरफ निकलेंगे। अभी कुछ दो दोस्त और ऐड हो चुके हैं ट्रिप में, ये वरुण है, ये भाई हिमांशु है, ये दोनों ऐड हो चुके हैं। ये अपनी जो ट्रैवलिंग करेंगे ये कार से करेंगे। एक दोस्त जो है मैंने बताया था वो रुद्रप्रयाग मिलने वाला है हमें बाइक पे, वो उसकी बाइक ट्रिप है, हमारी मेरी भी बाइक ट्रिप है, इन दोनों की बाइक कार की ट्रिप होने वाली है। हेलो गाइस, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे ऋषिकेश में, हम आए हुए हैं तो ऋषिकेश में हम यहाँ नदी के पास ही बैठे हुए थे। बट अभी क्या होता ना, उस टाइम पे क्या था, पानी का लेवल जो था काफ़ी कम था, बट अभी जो है तो और पानी का लेवल अब जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जितने भी पत्थर थे ना, ये देखो सारे के सारे डूब गए पानी के अंदर ही। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम सोच रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने की, क्योंकि रिवर राफ्टिंग हो रही है। हमने बहुत सारी रिवर राफ्टिंग करते हुए लोगों को देख लिया, तो अब हम सोच रहे हैं रिवर राफ्टिंग कर ही लें, क्योंकि अभी धूप भी है, पानी ज़्यादा ठंडा तो है पर इतना वो नहीं, मैनेज कर लेंगे, धूप है तो ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप लोग प्लीज अपने पांव को लॉक कर लेंगे, कैसे लॉक करेगा, आगे पीछे लॉक कर लेगा, आगे पीछे कर ले, तेरा भाई आता रहना चाहिए बस। ऐसे आ रहा है ना, ये चलिए, अबे थोड़ा इधर कोई मत देगा, सब आगे देगी जी, चलिए ऑल फॉरवर्ड प्लीज। सब आ रहे हैं, चलो, सबको पता है तू कर रहा है, तूने पैसे दिए, चल क्या व्यू है भाई साहब, चलाइए 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 ब्रो, शांत क्या ये वाले में कुछ नहीं कर सकते, वही था जो था बाहुबली वाला। Thank you.
इमोशनल भाई ये तो मजे। फाइनली अपनी जो रिवर राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और व्यूज़ जो आए हैं एक नंबर के ज़बरदस्त व्यूज़ आए हैं और मैं दिखाऊंगा आपको स्टेटस पे लगा के, इंस्टा पे भी मिलेगी और वीडियो में भी ज़रूर मिलेगी। तो ये भैया थे, ये थी हिमालयन ट्रेवल्स और इन्होंने भैया ने कराई थी हमें रिवर राफ्टिंग से, क्या नाम भैया का, सोनू भाई थे और ये हिमालयन ट्रेवल्स के साथ हैं। अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, भैया का नेचर भी बहुत अच्छा था, अच्छी तरीके से गाइड किया इन्होंने, इवन 15 मिनट तक हमें गाइड किया था इन्होंने और कि कैसे चप्पू चलाने हैं, कैसे क्या, और जब वो रैफल्स आते हैं तो कैसे उसमें हैंडल करना है हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी। थैंक यू भैया। हमने अभी हम रुके हुए हैं लक्ष्मण झूला के आसपास हमने स्टे किया हुआ है, तो हमने एक होटल ले लिया है 5 जनों का। तो अभी 5 जनों के हिसाब से हमें ये रूम पड़ा 2000 रुपये कुछ में, रूम जो है काफ़ी सही है, रिजनेबल प्राइस में मिल गया 2000 रुपये, यानी कि अगर मैं 5 बंदों के हिसाब से लेके चलूँ तो 400 रुपये पर हेड के हिसाब से होता है, तो रीज़नेबल प्राइस है। बट इसमें ये है कि 11 बजे चेकआउट होता है यहाँ पे, और लक्ष्मण झूला पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इवन होगा यहाँ से 200 मीटर के आसपास तकरीबन होगा, आप पैदल चल के भी जा सकते हो, बाय वॉक कोई उसमें वो नहीं है। और नीचे पार्किंग भी मिल गई थी, क्योंकि हमारा जो मेन रीज़न होता है ना वो होता है पार्किंग का, क्योंकि ना पार्किंग अगर ना होना तो दिक्कत होती है बाइक्स लगाने में भी, और ये जो दो दोस्त आए हैं दिल्ली से इनकी भी, तो क्योंकि इनकी गाड़ी थी ना तो फिर दिक्कत होती है, और पहाड़ी इलाका वैसे होता है। तो यार अभी व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, आज का यहीं था, बाकी सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि यहाँ से हमें रुद्रप्रयाग के लिए निकलना है, और रुद्रप्रयाग से होते हुए फिर हम जाएंगे ओली की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, थैंक यू।